एवरीवन, तो यार आज हम लोग देखेंगे सोशियो इकोनॉमिक प्लानिंग। ठीक है, आज देखेंगे हम लोग प्लान कैसे बनते थे। ठीक है, प्लानिंग कैसे कैसे ओरिजिन में आई और इंडिया में किस तरीके से प्लानिंग प्रोसेस की स्टार्टिंग हुई। बट बिफोर बिगनिंग आवर टॉपिक वी विल डिस्कस थ्री थिंग्स। ठीक है, वी विल डिस्कस दैट व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग, पॉलिसी एंड डिसीजन। तो हमको सबसे पहले पता होना चाहिए कि यार प्लान क्या होता है, ठीक है, पॉलिसी क्या होती है और डिसीजन क्या होता है। ठीक है, इन तीन चीजों को हमको पता होना चाहिए। देन व्हाट इज प्लान, व्हाट इज पॉलिसी एंड व्हाट इज डिसीजन। क्यों पता होना चाहिए? बिकॉज जब हमको किसी चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना, तो उस चीज को हमको कहीं पे भी रिलेट करने में कहीं पे दिक्कत आती नहीं है। सिंपल सी बात है, चीजों को रटना है ही नहीं। तो प्लान की बात करते हैं सर। प्लान में क्या होता है कि आप अपने फ्यूचर गोल्स को लेआउट करते हो। ठीक है, फ्यूचर गोल्स को लेआउट करते हो एनविजनिंग द फ्यूचर गोल्स। ये आपने किसमें किया? प्लान में किया। मान लो क्या हमने हमारा गोल रखा कि सर हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट करेंगे। क्या करेंगे? इंक्लूसिव डेवलपमेंट। मतलब क्या सर? हमने प्लान किया कि वी विल क्लियर आउट द यूपीएससी एग्जाम। ठीक है, ये क्या है? ये हमारा प्लान है, एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है। लेकिन सर अब आप इस इंक्लूसिव डेवलपमेंट को अचीव कैसे करोगे, ये भी चीज तो आपको देखनी है। तो अगला स्टेप आता है हमारा पॉलिसी। पॉलिसी में क्या होगा? पॉलिसी में होगा ये कि आपके जो फ्यूचर के गोल्स होते हैं ना, योर फ्यूचर गोल्स आर सब डिवाइडेड इंटू व्हाट? सब गोल्स। ठीक, सब गोल्स मतलब ये कि सर आपने कहा कि हम यूपीएससी एग्जाम क्लियर करेंगे, बट आप यूपीएससी एग्जाम कैसे क्लियर करोगे? ये तो आपका प्लान है कि यू विल क्लियर आउट द यूपीएससी एग्जाम, बट फॉर दैट यू नीड अ प्रॉपर पॉलिसी। लाइक कि यार हमको पता है कि हमको सीसेट पे वर्क करना है। ठीक है, हमको पता है कि हमारा इकोनॉमिक्स वीक है, तो हमको उसको वर्क करना है, हमको मॉक्स सॉल्व करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस करना है। तो दीज थिंग्स विल कम इन टू योर पॉलिसी एस्पेक्ट। मतलब क्या था कि यहां पर हमने क्या कहा? यहां पर हमने कहा कि सर हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट करेंगे, बट अब आपको उस इंक्लूसिव डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए आपको ये देखना होगा कि आप उस इंक्लूसिव डेवलपमेंट को कैसे अचीव करोगे। आप ऐसे अचीव करोगे ना कि आपको हेल्थ पे फोकस करना होगा, है ना, आपको स्किल्स पे फोकस करना होगा, आपको एजुकेशन पे फोकस करना होगा। तो जब आप इन सब चीजों पर फोकस करोगे तभी तो आप एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट अचीव करोगे। एंड अब क्या होगा कि सर आपको हेल्थ पे बेटरमेंट करना है, हेल्थ का डेवलपमेंट करना है, तो आपको हेल्थ के लिए नेशनल हेल्थ पॉलिसी डिजाइन करनी पड़ी। ठीक, स्किल्स के लिए नेशनल स्किल्स पॉलिसी डेवलप करनी पड़ी। एजुकेशन के लिए सर आपने एजुकेशन के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लेके आया। सो ये सब चीजें क्यों थी? ये सब चीजें थी इसलिए ताकि जो हमारा प्लान था उसकी हमारे पास एक प्रॉपर पॉलिसी है कि हम उसको किस तरीके से अचीव करेंगे। अब नाउ देयर कम्स रोल ऑफ डिसीजन। डिसीजन में क्या होगा सर? डिसीजन में होगा आपका इम्प्लीमेंटेशन। डिसीजन में होगा आपका इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन एट व्हाट? इम्प्लीमेंटेशन एट ग्राउंड लेवल। इम्प्लीमेंटेशन एट ग्राउंड लेवल क्या हुआ सर? आपने हेल्थ पॉलिसी बनाई, ठीक है, आपने स्किल्स पॉलिसी बनाई, आपने एजुकेशन पॉलिसी बनाई। इन चीजों को आपको इंप्लीमेंट भी तो करना होगा। आप ग्राउंड पे जब तक इनको इंप्लीमेंट नहीं करोगे आपको इसका रिजल्ट कैसे दिखेगा? तो इस वजह से हम इसको यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे किसका रोल होगा? यहाँ पे रोल होता है ब्यूरोक्रेट्स का। ठीक है, रोल होता है ब्यूरोक्रेट्स का। डिसीजन मेकिंग कौन करता है? जनरली डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या ब्लॉक लेवल पे या पंचायत लेवल पे ब्यूरोक्रेट्स, ग्राम सरपंच होते हैं, ठीक है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं। तो ये सारे लोग डिसीजन मेकिंग वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। तो हो क्या रहा है कि यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स का रोल है, यहाँ पे प्लान कौन बनाएगा आपका? प्लान बनाएंगे सर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स, और पॉलिसी सर पॉलिसी भी यही बनाएंगे। क्यों?
क्यों? क्या है, सिंपल सी बात है, पार्लियामेंट है, कैबिनेट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, एमपीज हैं, तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, आपके पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स हैं, दे विल डिजाइन द प्लान एंड पॉलिसी फॉर द नेशन एंड दैट प्लान एंड पॉलिसी विल फर्दर बी इम्प्लीमेंटेड बाई ब्यूरोक्रेट्स। तो यार जब हमने अपना पहली क्लास की थी तो हमने उसमें एक चीज देखी थी, देर आर थ्री ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। कौन कौन सी? सर तीन ब्रांचेस हुआ करती थी, मैक्रो, मीजो और माइक्रो, सही है। इसमें क्या होता था सर, मैक्रो जो आपकी होती थी वो ओवरऑल पर्सपेक्टिव दिखाती थी। ओवरऑल पर्सपेक्टिव यहां पे क्या है, यहां पे हमारा ओवरऑल पर्सपेक्टिव है कि वी विल मेक अ प्लान फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, वी विल क्लियर आउट द यूपीएससी एग्जाम। तो ये चीज है, तो इसको हमने कहां पे लिंक किया सर, दिस इज आर मैक्रो एस्पेक्ट, ठीक है। एंड नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट मीजो, मीजो में क्या होता था, मीजो में एक पर्टिकुलर सेक्टर की बात होती थी, लाइक ऑटोमोबाइल सेक्टर, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है सर, यहां पे ये होगा कि हमको इंक्लूसिव डेवलपमेंट अचीव करने के लिए किन सेक्टर्स को फोकस करना है, लाइक हेल्थ, स्किल्स एंड एजुकेशन, ठीक है। तो ये किस सेक्टर में आ गया सर, यहां बात हो रही है मीजो की। एंड माइक्रो में क्या होगा, माइक्रो में सर आपका कंज्यूमर इंपैक्ट करेगा, जो जनरल पॉपुलेशन होगी उस पर इंपैक्ट आएगा। सो दीज आर द बेसिक डिस्टिंक्शन बिटवीन प्लान, पॉलिसी एंड डिसीजन।